दोस्तों ये है 2024 मॉडल मारुति सुजुकी इको। अभी आपके सामने ये 5 सीटर वाली गाड़ी खड़ी है। इसमें आपको 7 सीटर का ऑप्शन भी मिल जाता है। 7 सीटर में एसी नहीं मिलता, लेकिन 5 सीटर में देखेंगे तो आपको एसी और विदाउट एसी दोनों ही ऑप्शन मिल जाता है। अभी आपके सामने ये 5 सीटर एसी के साथ है। आज हम बात करेंगे इस गाड़ी में आपको क्या फ़ीचर्स मिल जाते हैं, क्या सेफ्टी मिलती है, इस गाड़ी की क्या प्राइस है, ये गाड़ी पेट्रोल और सीएनजी में कितने केएमपीएल का माइलेज देती है, और आप कम से कम कितना डाउन पेमेंट करके इस गाड़ी को ख़रीद सकते हैं, सभी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। सबसे पहले हम इस गाड़ी का पूरा सामने से डिज़ाइन देख लेते हैं। एक एक करके सभी चीज़ें देखेंगे, कोई भी चीज़ नहीं बचेगी। बीच में लोगो मिल जाता है। पूरी ग्रिल देखेंगे तो ब्लैक कलर में है। पूरा हेडलैम्प यूनिट देखेंगे तो बड़े साइज का है, तगड़ा डिज़ाइन लगता है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस हाइड्रोजन बल्ब है। साइड में टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। नीचे बम्पर देखेंगे तो अच्छा खासा बड़े साइज का ब्लैक कलर में है। कोई भी फॉग लाइट नहीं मिलती, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो शोरूम या आफ्टर मार्केट कहीं से भी लगवा सकते हैं। यहाँ पर 2 वाइपर मिल जाते हैं। पूरा ग्लास एरिया देख लीजिए। गाड़ी की छत देखेंगे तो पूरी तरह से प्लेन है। और इस गाड़ी का बोनट भी देखेंगे तो छोटा सा मिलता है। यहाँ पे बोनट के अंदर इंजन भी नहीं मिलता। इंजन भी कहाँ पे मिलता है मैं आपको सभी चीज़ें बताऊँगा। अब चलिए एक बार गाड़ी का पूरा साइड का डिज़ाइन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 बड़े साइज का विंडो मिल जाते हैं और अच्छे खासे बड़े साइज के हैं। गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो अच्छा खासा एरिया फील होगा। 13 इंच के टायर मिल जाते हैं। 155/65R 13 इंच का टायर है। व्हील कवर आपको कंपनी फिटेड मिल जाएगा। यहाँ पे फेंडर पे टर्न इंडिकेटर है। ORVM बॉडी कलर में ही देखने को मिलता है। यहाँ पे रैन वाइजर लगा हुआ है। ये सभी चीज़ें एसेसरीज में मिलती हैं, लेकिन अगर आप गाड़ी ख़रीदते हैं ना तो कंपनी वाले ये सभी चीज़ें आपको दे देते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो डोर हैंडल मिल जाते हैं, ब्लैक कलर में दिए हैं। पीछे वाले को स्लाइड करना पड़ता है, पीछे साइड, तभी ओपन होता है। यहाँ पर आप चाबी लगा के लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे 32 लीटर का फ्यूल टैंक है, इसको भी चाबी लगा के ओपन करना पड़ेगा। गाड़ी में देखेंगे तो क्रीज लाइन भी है, जिसकी वजह से गाड़ी देखने में बढ़िया लगती है। पीछे वाले दोनों टायर में ड्रम ब्रेक हैं। आगे दोनों पे डिस्क ब्रेक मिल जाता है, ABF और EBD के साथ। सेफ्टी भी अच्छी है। यहाँ पे स्टीकर लगा हुआ है इको स्टार का। ये सभी चीज़ें एसेसरीज का पार्ट हैं। पीछे से भी गाड़ी देखेंगे तो पूरी तरह से बॉक्सी टाइप का डिज़ाइन है। और ये गाड़ी उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनको काम के लिए यूज में चाहिए। ये शौक पूरी करने वाली गाड़ी नहीं है। पूरा टेल लैंप यूनिट देख लीजिए, वर्टिकल शेप में है। इको की बैजिंग है। यहाँ पे लोगो मिल जाता है। पूरा ग्लास एरिया देखेंगे तो प्लेन है, बड़े साइज का दिया है। ऊपर हाई स्टॉप माउंटेन लैंप दिया है। यहाँ पे स्पॉइलर मिल जाता है। नीचे देखेंगे तो ब्लैक कलर का ही बम्पर दिया है। जिस टाइप से आगे मिलता है उसी टाइप से पीछे भी बम्पर है। बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे कोई भी आपको बटन नहीं मिलती, चाबी लगा के ही बूट को ओपन करना पड़ेगा। चलिए एक बार मैं बूट ओपन करके आपको दिखा भी देता हूँ। 7 सीटर में देखेंगे तो ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता, लेकिन 5 सीटर में आपको अच्छा खासा जगह मिल जाती है सामान रखने के लिए। जो लोग स्कूल वैन के लिए इस गाड़ी को यूज करना चाहते हैं तो 5 सीटर में पीछे और भी सीट लगवा लेते हैं। उसके बाद भरपूर बच्चे आ जाते हैं तो पूरा बिजनेस भी हो जाता है। अब एक बार मैं आपको इसकी बूट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो अच्छी तरह से कवर भी किया गया है, ये भी अच्छी बात है। और 5 सीटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा 510 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे पीछे भी कम से कम 4-4, 8-4-4 एक लाइन में बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। अच्छी खासी जगह है और छोटे बच्चे तो और भी मैनेज हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप CNG वाली लेते हैं तो सीट के जस्ट पीछे सिलेंडर रखा रहता है। जस्ट पूरा ही तरह से पीछे सिलेंडर नहीं रखता, सीट के पीछे सिलेंडर रखा रहता है। उसके बाद आप चीज़ें रख सकते हैं, फिर भी आपको अच्छी खासी जगह मिल जाती है। अब चलिए एक बार डोर ओपन करके अंदर की सभी चीज़ें देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। पूरा डोर ट्रिम देखेंगे तो ब्लैक कलर का ही कॉम्बिनेशन है। ये गाड़ी फैंसी नहीं है, ज़रूरत की आपको चीज़ें मिलेगी। विंडो ओपन करने के लिए ओपनर, ये हैंडल मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने के लिए डंडी मिल जाती है। और इसकी डोर की ओपनिंग भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया है। एक बार पूरी सीट देख लीजिए, यहाँ पर भी सीट कवर लगा हुआ है। फिक्स वाले हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीट की कुशनिंग अच्छी है, कंफर्ट आपको अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आपको थकावट महसूस हो रही है। पूरा पोस्चर देखेंगे तो अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एक लीवर मिल जाता है, जिससे आप सीट को आगे और पीछे कर सकते हैं। और इसी सीट के नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलती है, सीट के नीचे ही आपको इंजन मिलता है। ड्राइवर वाली सीट के नीचे इंजन मिलता है और को ड्राइवर वाली सीट के नीचे देखेंगे तो बैटरी रखी हुई है। इस गाड़ी में आपको बोनट में इंजन नहीं मिलता, सीट के नीचे मिलता है। पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन देख लीजिए। यहाँ पर AC वेंट मिल जाते हैं। हेडलैम्प के लेवल को फिट करने के लिए दिया है।
नीचे ABC पैडल है, साइड में थोड़ी सी जगह है, आप पैर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से इसका बोनट ओपन कर सकते हैं, फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं, चाबी लगा के गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलिए मैं एक बार आपको गाड़ी के अंदर बैठ के सभी चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या इसमें आपको फ़ीचर्स मिलने वाले हैं। पूरा स्टेयरिंग व्हील का डिज़ाइन भी देखेंगे तो बढ़िया है, बेसिक का डिज़ाइन है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता, देखने में चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये स्टेयरिंग कवर लगा हुआ है, ये भी ऐसे फ्रिज का पार्ट है। नीचे एयर बैग, लोगो और यहाँ पे हॉर्न वगैरह ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं। इधर वाइपर का कंट्रोल है और इधर हेड लैंप और इंडिकेटर का कंट्रोल मिल जाता है। सामने फुली डिजिटल क्लस्टर मिलता है आपको, यहाँ पे माइक भी लगा हुआ है बातचीत करने के लिए। ये सभी चीज़ें इस गाड़ी में आपको मिल जाती हैं। पूरा सेंटर कंसोल देखेंगे तो यहाँ पे AC मिल जाता है, ऊपर AC वेंट है, हजार्ड लाइट, ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं। और इसकी कूलिंग भी बहुत बढ़िया है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी गर्मी होती है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कूलिंग बढ़िया है इस गाड़ी की। ऊपर हजार्ड बटन है। ये वाला पूरा एरिया देखेंगे तो लाइट कलर में है। यहाँ पे नीचे म्यूजिक सिस्टम लगा है, ये भी ऐसे फ्रिज का पार्ट है। नीचे थोड़ी सी जगह है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है चार्जिंग के लिए। यहाँ पे भी आप अपनी मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। 5 गियर वाली गाड़ी है, 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, हैंड ब्रेक दिया है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता इसमें, मैनुअल IRVM है, लाइट मिल जाती है हैलोजन पे। इधर देखेंगे तो वैनिटी मिरर नहीं मिलता, सिर्फ सनवाइजर है, और ड्राइवर साइड भी देखेंगे तो सिर्फ सनवाइजर ही मिलता है। इधर फिक्स वाला ग्रैब हैंडल मिल जाता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन आप देख लीजिए एक बार, ब्लैक और लाइट कलर का कॉम्बिनेशन है। डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है, इसमें भी आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील भी अगर आप देखेंगे ना तो पूरी तरह से फिक्स वाला मिलता है, आप इसको ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी नहीं कर सकते। अब चलिए एक बार ड्राइवर साइड का डोर बंद करते हैं और पीछे वाली सीट का पूरा कार्यक्रम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। एक बार इसका ग्लास भी बंद कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरी तरह से इसको स्लाइड करना पड़ता है पीछे की तरफ, उसके बाद ये पूरी तरह से ओपन हो जाता है। अभी लॉक था तो यहाँ डंडी से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। इसमें आपको सेंटर लॉकिंग भी नहीं मिलती है, डोर हैंडल को पकड़ के आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके और पीछे की तरफ स्लाइड कर देंगे तो अच्छी तरह से डोर ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो गाड़ी के अंदर बैठने की कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप अंदर जा सकते हैं। सीट देखेंगे तो अच्छी काफ़ी लंबी चौड़ी है, पूरी तरह से फैब्रिक में सीट मिलती है। यहाँ पे 4 लोग आराम से बैठ जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती। और नीचे देखेंगे तो पूरी तरह से फ्लैट है, पैर रखने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे यहाँ पे पूरा लेग रूम देखेंगे, नी रूम देखेंगे, थाई सपोर्ट देखेंगे तो अच्छे लेवल का मिल जाता है। आप समझ लीजिए कि 2 लोग आगे ड्राइवर और को ड्राइवर, 4 लोग बीच में और कम से कम 8 लोग पीछे, तो इसमें आप कम से कम 14-15 बच्चे आराम से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मिल जाता है पूरी तरह से कैबिन लाइट, एक आगे है बीच में है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप पीछे बैठे हैं तो कुछ इस टाइप से पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन दिखता है, अच्छी लगती है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन और माइलेज की और उसके बाद प्राइस की। इसमें आपको 1197 cc का 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, BF6 Phase 2 वाला फुली रिफाइंड इंजन है, और इससे आप CNG में 27 km/kg का माइलेज मिल जाता है और पेट्रोल में 20 km/L का। 32 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है पेट्रोल में और 65 लीटर का CNG सिलेंडर मिल जाता है अगर आप CNG वाला मॉडल ख़रीदना चाहते हैं। एक बार मैं इसका बोनट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंजन वगैरह आपको नहीं मिलता, सिर्फ यहाँ पे ABF वगैरह वाली यूनिट मिल जाती है, वॉफर वाली, और यहीं पर आपको ये ऑयल वगैरह ये सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बाकी इंजन आपको सीट के नीचे मिलता है और बैटरी मिलती है को ड्राइवर वाली सीट के नीचे। मारुति को 5 सीटर CNG की एक शोरूम प्राइस है 5,68,000 रुपये और ये आपको ऑन रोड लगभग 7 लाख रुपये में मिल जाएगी। और अगर आप इसका विदाउट AC वाला मॉडल ख़रीदना चाहते हैं, 5 सीटर विदाउट AC वाला, तो ये आपको मिल जाएगी लगभग 6,60,000 रुपये में ऑन रोड। और अगर आप 7 सीटर वाली गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो ये भी आपको लगभग 7 लाख रुपये के आसपास में मिल जाएगी। और अभी इस गाड़ी में अच्छे खासे डिस्काउंट भी चल रहे हैं तो आप शोरूम में विजिट करके सभी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। और कम से कम अगर आप इसका डाउन पेमेंट करके ख़रीदना चाहते हैं तो 60 से 70 हज़ार रुपये का आप डाउन पेमेंट कर दीजिए और अपने हिसाब से 5 साल, 7 साल या 3 साल का किस्त बनवा सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।